हर महादेव दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरे देश में गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दौरान भगवान गणेश की बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों भगवान गणेश को सुख और समृद्धि का देवता बताया गया है। अगर हम कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं या आपका कोई काम बन नहीं रहा है, तो अगर आप भगवान गणेश का सच्चे मन से स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि हम भगवान गणेश जी के किन नामों का स्मरण करने से ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का ही स्मरण किया जाता है, इसलिए उन्हें प्रथम पूजनीय कहा जाता है। भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया था कि जब भी पूजा होगी तो सबसे पहले उनका ही स्मरण होगा, इसलिए पूजा में सबसे पहले गणेश जी का ही स्मरण किया जाता है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन उनमें से 12 नाम प्रमुख हैं, जैसे कि सुखमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लबोंदर, विकट, विघ्नहर्ता, विनायक, धूम्रकेतु, गणदक्ष, भालचंद्र और गजानन। भगवान गणेश के अति शुभ 12 नामों का नित्य स्मरण करने से ही व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता भी माना गया है। अच्छी बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए गणपति की पूजा अर्चना का विधान है। श्री गणेश अंक के अनुसार जिस भी मनुष्य को अच्छी विद्या पाने की इच्छा है, उसे भगवान गणेश के इन 12 नामों का पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से इनका जप करने से भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है और मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। विद्यार्थी के लिए नियमित रूप से इनका जाप करना विशेष लाभदायक माना गया है। भगवान गणेश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस भी मनुष्य को धन संपत्ति पाने की इच्छा हो, उसे पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश के इन 12 नामों का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, धन और विकास घर में आता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान गणेश के इन 12 नामों की चमत्कार माना जाता है। इनके जप से मनुष्य की हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। संतान चाहने वाले दंपत्ति को रोज सुबह और शाम श्रद्धापूर्वक इनका पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से संतान की कामना भी पूरी होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अगर आप भी घर में पूजा पाठ करते हैं और इस दौरान आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इनका पूजन किया जाता है। भगवान गणेश की आराधना करने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश इन 12 नामों का पाठ करने से मनुष्य के धरती पर ही स्वर्ग का समान सुख मिलता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों अभी आपको पता चल ही गया होगा कि हमें भगवान गणेश के कौन से 12 नामों का जाप करने मात्र से ही हमारे जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में गणपति बाबा मोरया लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है।